हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेडिलाइफ यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्ट्रासेट टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या है और किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब की जाती है, इसके अलावा इसका कंपोजिशन क्या है और इसका डोज कैसे लेना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है और इसका यूज़ करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट आपके अंदर में दिखाई दे सकती है, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को इसी वीडियो में। ये जो अल्ट्रासेट टैबलेट है इसका कुछ वार्निंग है, तो इसका वार्निंग क्या क्या है, किन किन पेशेंट को ये दवाई नहीं दी जाती है, इसके अलावा इसका लो डोज या हाई डोज किन किन पेशेंट में दी जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि दवाई के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बगल वाले घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए आप बात कर लेते हैं इससे कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन सी सॉल्ट से बनी है ये अल्ट्रासेट टैबलेट। जैसे कि दोस्तों इसमें दो सॉल्ट एक साथ मिलती है, एक मिलती है ट्रामाडोल, दूसरी मिलती है पैरासीटामोल। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि इसमें ट्रामाडोल मिलती है 37.5 mg और पैरासीटामोल मिलती है 325 mg। ये जो अल्ट्रासेट टैबलेट है ये नार्कोटिक एक मेडिसिन है, तो इसका यूज़ विदाउट प्रिस्क्राइब कभी भी नहीं कीजिएगा, अपने मन से भी कभी इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आप जान लेते हैं इसी अल्ट्रासेट टैबलेट की जो कंपोजिशन है, इसी कंपोजिशन से और दूसरा कौन कौन से ब्रांड नेम से आप लोगों को ये दवाई मार्केट में मिल सकती है। जैसे कि पॉपुलर एक ब्रांड है वो है कैल्पोल टी, ट्रैप टैबलेट, डोरेट टी टैबलेट, ये आदि ब्रांड नेम से आप लोगों को आपकी नज़दीकी किसी भी मेडिकल शॉप में ये दवाई मिल सकती है। इसके अलावा दूसरे कोई ब्रांड नेम से भी आपको ये दवाई मिले तो उसको आप परचेस कर सकती है। आप जान लेते हैं इसका यूज़ कौन कौन सी बीमारियों में ये दवाई इस्तेमाल होती है। ये जो दवाई है सामान्य सी दर्द तथा भयंकर दर्द में भी ऐसी दवाई को इस्तेमाल की जाती है। किसी भी व्यक्ति को अगर सर में दर्द, इसके साथ साथ कमर में दर्द, तो वो दर्द को ठीक करने के लिए इसी टैबलेट को इस्तेमाल करने से उनको बहुत फ़ायदा मिलती है। शरीर की हड्डियों में जो जॉइंट है उसमें अगर किसी के कारण से दर्द लग जाती है या दर्द होती है, उठने बैठने में आपको दर्द का महसूस होती है, तो वो सारे दर्द को भी ठीक करने के लिए इसी अल्ट्रासेट टैबलेट को डॉक्टर साहब आपके लिए प्रिस्क्राइब कर सकती है। किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट होने के दौरान जो चोट लगती है तो उसमें जो दर्द होती है तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब इसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकती है। कोई लेबर या किसान हो जिसको काम करने के दौरान कमर में दर्द लग जाना, इसके अलावा चोट लगने के दौरान किसी भी दर्द को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसी अल्ट्रासेट टैबलेट को इस्तेमाल कर सकती है। किसी भी प्रकार की मसल में दर्द, इसके साथ साथ नर्व में समस्या है या नर्व में दोस्तों दर्द का महसूस होना, सही से उठ या चल नहीं पाते, उस दौरान भी इसी टैबलेट को डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब कर सकती है। ओवरऑल किसी भी प्रकार की दर्द है आपकी शरीर में या आपकी हड्डियों में या जॉइंट में या आपकी हड्डी फ्रैक्चर होगी, उस दौरान भी इसी अल्ट्रासेट टैबलेट को डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब कर सकती है। इसमें पेशेंट को बहुत ही फायदा होती है। अगर कोई व्यक्ति अफीन का या अल्कोहल का नशा करती है तो उसको छोड़ना चाहते हैं, उस दौरान उनकी पूरे शरीर में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो उस दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर इसी ट्रामाडोल एंड पैरासीटामोल टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकती है। इसके अलावा आपकी दांत में दर्द या मसूड़ा फूल गया, तो मसूड़ा फूलने की दर्द जो दांत में दर्द होती है तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब इसी ट्रामाडोल एंड पैरासीटामोल टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकती है। ये थी कुछ इसका यूज़। इसके अलावा डॉक्टर साहब अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ये दवाई दूसरे और भी दर्द के लिए ये दवाई इस्तेमाल कर सकती है। इसका प्राइस कितना है? और दोस्तों ज़्यादातर ये अल्ट्रासेट टैबलेट एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट रहती है और जिसकी प्राइस लगभग 201 रुपया। ये प्राइस कभी घट सकता है, बढ़ सकता है, अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करते हैं उस दौरान आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकती है। इसकी डोज कैसे रहना चाहिए और कितना दिन तक इस दवाई को इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में भी आप लोगों को एक बार जानकारी देते हैं। जैसे कि किसी भी मेडिसिन का डोज डॉक्टर द्वारा पेशेंट की कंडीशन, उसका वेट, इसके अलावा एज को देख के दी जाती है। मैंने जो इस वीडियो में जानकारी दूंगी वो नॉर्मल से यूज़, अगर आपको किसी भी दर्द कमर में दर्द, उस दौरान इस टैबलेट को सुबह एक और रात को एक, दिन में दो टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा है उस दौरान डॉक्टर साहब आपको दिन में 3 बार भी इस्तेमाल करने का सलाह दे सकती है। इस टैबलेट को खाने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसी दवाई को कभी भी अपने मन से खरीद के इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, जब भी डॉक्टर आपको एडवाइस करे तभी इस टैबलेट को इस्तेमाल कीजिएगा। आप जान लेते हैं इस दवाई को कितना दिन तक कंटिन्यू आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपकी प्रॉब्लम एक टैबलेट लेने से ही ख़त्म हो जाती है तो इस टैबलेट को और इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है।
अब बात कर लेते हैं इसका इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई दे सकती है। ये एक नार्कोटिक मेडिसिन है तो इसको इस्तेमाल करने से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आप में दिखाई जरूर दे सकती है। सामान्य से कुछ साइड इफेक्ट होती है जैसे कि आपकी पेट में गैस बनने की समस्या, साथ साथ आपको डायरिया हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकती है, इसके अलावा वॉमिटिंग, नोजिया, आपकी पेट में दर्द, हार्ट बीट लो हो जाना, इसके अलावा आपकी सीने में भी दर्द, ये सारे समस्या आपको साइड इफेक्ट के दौरान दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अनचाहे कोई भी साइड इफेक्ट आपके अंदर में दिखाई दे तो तुरंत इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिएगा और साथ साथ डॉक्टर साहब से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं इसका वार्निंग क्या है और कौन कौन से वो व्यक्ति है जो इस दवाई को नहीं ले सकते। अगर किसी व्यक्ति को ट्रामाडोल एंड पैरासीटामोल मॉलिक्यूल से एलर्जी होती है उस दौरान इन पेशेंट को ये दवाई नहीं दिया जाएगी। किसी पेशेंट का उम्र 12 साल से नीचे है उस दौरान भी उनको भी ये दवाई इस्तेमाल नहीं होती। अगर किसी पेशेंट में अस्थमा की समस्या है, इसके साथ साथ किडनी में कुछ या लिवर में कुछ समस्या दिखाई देती है उस दौरान इसी ट्रामाडोल एंड पैरासीटामोल टैबलेट इस्तेमाल नहीं की जाती है। कोई प्रेगनेंसी महिला है उसी महिलाओं को भी इसी ट्रामाडोल एंड पैरासीटामोल टैबलेट नहीं दी जाती है। कोई अल्कोहल का सेवन करती है उस दौरान भी इसी टैबलेट का इस्तेमाल नहीं होती है। अगर कोई पेशेंट अल्कोहल के साथ साथ इस ट्रामाडोल एंड पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल करती है उस दौरान उनका साइड इफेक्ट बहुत ही घातक हो सकती है, इतना घातक हो सकती है क्या उनका जान भी जा सकती है। तो इसलिए जब डॉक्टर साहब आपको इसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें तभी इस दवाई को इस्तेमाल कीजिएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों की अल्ट्रासेट टैबलेट के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर ये सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।